हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने प्रिंटर को यूज करके कैसे बोथ साइड ऑफ द पेपर को प्रिंट करोगे, यानी एक ही पेज का, यानी एक ही पेपर का फ्रंट और रियर साइड कैसे प्रिंट होगा। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रिंटर वाले वीडियोस में मुझे कमेंट आया है कि भैया कैसे बोथ साइड ऑफ द पेपर में प्रिंट करते हैं वो थोड़ा बता दीजिए, तो वही आज हम देखेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो मेरे पास HP इंक टैंक प्रिंटर है और जो मॉडल नंबर है इसका वो है HP 310। मैं कोशिश करता हूं आपको एक बार दिखा पाऊं। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर हमारा मॉडल है HP इंक टैंक 310। तो इसी में आज हम बोथ साइड ऑफ द पेपर को प्रिंट करेंगे और मेरा लैपटॉप यहां पर है, तो जो प्रिंटर है वो पहले से कनेक्टेड है लैपटॉप को। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंटर को एक बार ऑन कर लीजिए। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। फिर आप कोई भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कीजिए। तो मैं अपना PDF जो है उसे ओपन करता हूं। तो हम लोग का PDF ओपन हो गया। मैं 6 पेज प्रिंट करूंगा, यानी 3 पेपर में फ्रंट और बैक। तो हम नीचे जाते हैं, तो मैंने हर पेज को मार्क कर दिया है। तो ये पहला वाला पेज, सिमिलरली दूसरा, सिमिलरली तीसरा, सिमिलरली चौथा, सिमिलरली पांचवा और 6 पेज। तो हम 6 पेज प्रिंट करेंगे, यानी 3 पेपर्स में फ्रंट और बैक को। अब ये कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रिंटर में A4 साइज पेपर जो है वो लोड कर दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं आपको हर एक चीज दिखा पाऊं। तो ये अभी हमारा लोड हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो लोड हो चुका है। मैं आउटपुट ट्रे जो है वो बाहर निकाल देता हूं। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा पास लेके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप अपना PDF खोलिए। PDF खोलने के बाद अपने कीबोर्ड पर Ctrl+P प्रेस कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रिंट का प्रोसेस है, यानी जो प्रिंट प्रीव्यू है वो चलाएगा। अब मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊं। तो यहां पर अगर आप देखो, तो एक मिनट गाइज, मैं कोशिश करता हूं आपको पास से दिखा पाऊं थोड़ा। तो गाइज आपको शायद दिख रहा होगा, मैं फिर से इसे एक बार क्लोज कर देता हूं, फिर से शुरू से करता हूं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हमारा PDF है, इसे ही आपको प्रिंट करना है। तो आप Ctrl+P प्रेस कीजिए। तो इससे क्या है, आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। सबसे पहले आप चेक कीजिए आपका प्रिंटर का नाम यहां पर लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा होगा तो इसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कीजिए आपका जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट किया है। मेरा HP 310 है, तो मैं HP 310 ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर आपको प्रिंट ऑन बोथ साइड्स का ऑप्शन मिलेगा। ये पहले से सिलेक्टेड है, मैं इसे बंद कर देता हूं, ठीक है। आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। तो आपको क्या करना है, इसे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे यहां पर आपका फ्लिप ऑन लॉन्ग एज और फ्लिप ऑन शॉर्ट एज जाएगा। तो ये आपका डिफॉल्ट में रहता है, तो फ्लिप ऑन लॉन्ग एज ही हमेशा सिलेक्ट कीजिए। शॉर्ट एज में क्या है, आपको पेपर को पूरा रोटेट करना पड़ेगा, उससे क्या है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका प्रिंट इधर उधर हो सकता है, इसीलिए हमेशा फ्लिप ऑन लॉन्ग एज में ही रखने दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बस जो प्रिंट का ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करोगे यहां पर आपका एक पॉपअप आ जाएगा, उस पॉपअप में आपका कंटिन्यू लिखा होगा। उस कंटिन्यू को आप तुरंत ही मत क्लिक कीजिएगा। जब आपका पहले, हम यहां पर 6 पेजेस प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका इवन नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट होगा। उसके बाद आपको अपने पेपर्स को फ्लिप करना होगा, यानी उसे पलट कर वापस डालना होगा इनपुट ट्रे में। उसके बाद ही आप यहां पर जो कंटिन्यू का बटन होगा उसे क्लिक कीजिएगा। तो क्या करते हैं अभी हम इसमें प्रिंट क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर स्पूलिंग होगा। स्पूलिंग होने के बाद देखिए यहां पर आ जाएगा द फर्स्ट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इज प्रिंटिंग। तो हम थोड़ा सा प्रिंटर को देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा जो 6 नंबर है वो निकल गया, उसके बाद हमारा 4 नंबर निकल गया, उसके बाद हमारा 2 नंबर निकल गया, यानी यहां पर हम लोग का 3 इवन पेजेस प्रिंट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जैसे हमने लिखा देखा था फ्लिप ऑन लॉन्ग एज लिखा था, तो ये हमारा लॉन्ग एज है, ठीक है, और शॉर्ट एज यहां पर है, तो हम लॉन्ग एज में फ्लिप करेंगे। आपको करना क्या है, बस पेपर्स को इस तरह से ही पकड़िए, कुछ चेंज मत कीजिए, बस पकड़िए उसे, उठाइए और अपने इनपुट ट्रे में बस डाल दीजिए। आप समझ गए कैसे करना है, कुछ ज्यादा फ्लिप नहीं करना है, बस अपने पेपर्स को लीजिए, खींचिए, खींचने के बाद उसे वापस इस तरह से डाल दीजिए। तो ये जब हो जाए उसके बाद ही आप यहां पर कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा। अगर आप पहले से कंटिन्यू को क्लिक कर दोगे तो आपका ऑड पेजेस प्रिंट हो जाएगा, इवन कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यू को क्लिक करेंगे हमारा जो प्रिंटर है वो शुरू हो जाएगा।
थोड़ा सा गाइज। हाँ तो जैसा आप देख सकते हो, तो अभी क्या है, हम लोग का पहले फिफ्थ नंबर पेज निकलेगा, उसके बाद हम लोग का थर्ड नंबर पेज निकलेगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर पेज निकलेगा। तो जैसा आप देख सकते हो हम लोग का पेजेस निकल गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो सही से निकला है या नहीं। फर्स्ट नंबर ऑफ पेज पहला पेज, बैक साइड में आपका दूसरा प्रिंट, फिर तीसरा पेज, फिर आपका चौथा प्रिंट, फिर फिफ्थ प्रिंट, फिर आपका सिक्स्थ प्रिंट। तो एग्जैक्टली हम लोग का अच्छे से निकला है। तो तीन पेपर में फ्रंट बैक में आप इसी तरह से प्रिंट कर सकते हो। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। तो गाइज एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं वो बताना चाहता था वो ये है कि यहां पर आप देखिए प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से आपको दो प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। एक है आपका नॉर्मल प्रिंटर, जो कि आपका नॉर्मल इंक टैंक या फिर इंक जेट या फिर लेजर जेट प्रिंटर हो, या फिर दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका ड्यूप्लेक्स प्रिंटर। तो ड्यूप्लेक्स प्रिंटर और नॉर्मल प्रिंटर में बस एक ही फर्क है, और वो क्या है, जब आप ड्यूप्लेक्स प्रिंटर यूज कर रहे हो, अगर आपके पास डुप्लेक्स प्रिंटर है और आप प्रिंट ऑन बोथ साइड्स क्लिक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जब प्रिंट निकलेगा तो एक ये ऊपर वाला पेज और ये नीचे वाला जो दो नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही साथ प्रिंट होके आपका निकलेगा। आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। बस फॉर एग्जांपल ये मैं साइड में कर देता हूं, आप सोचिए ये वाला प्रिंट आपका डुप्लेक्स प्रिंटर है और ये आपका प्रिंट निकला, तो जैसे ही प्रिंट निकलेगा आपका पहला वाला सामने वाला पेज और पीछे वाला प्रिंट दोनों एक साथ प्रिंट होके निकलेगा, उसे डुप्लेक्स प्रिंटर कहते हैं। लेकिन इस तरह के नॉर्मल प्रिंटर्स में आपका प्रिंट ऑन बोथ साइड का मतलब है आपका एक पेज निकलेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेट मतलब खुद ही मैन्युअली अपने हाथों में लेकर उसे वापस इनपुट में डालना होगा, तब जाकर आपका दूसरा वाला पेज प्रिंट होगा। तो ये है बेसिकली नॉर्मल और जो डुप्लेक्स प्रिंटर है उन दोनों का फर्क। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने प्रिंटर में बोथ साइड ऑफ द पेजेस प्रिंट करोगे। तो वो ये जो टेक्निक है ये आप कोई भी प्रिंटर में यूज कर सकते हो, चाहे वो इंकजेट हो या फिर इंक टैंक हो या फिर लेजर हो। आप बस प्रिंट ऑन बोथ साइड सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहां पर फ्लिप ऑन लॉन्ग एज जो है उसे सिलेक्ट कीजिए, और जो मैंने जैसे मैंने यहां पर फ्लिप किया था उसे आप फ्लिप कीजिए, तो उसके बाद आपका हो जाएगा। तो कैसे आपका, एक मिनट गाइस, तो सोचिए आपका प्रिंट इस तरह से निकला है, ठीक है, इस तरह से निकल गया। आपको बस इसे पकड़ना है, उठाना है और वापस अंदर डाल देना है, तो उसके बाद आपका जो दूसरा पेज है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।